जयपुर के जवाहर कला केंद्र एवं ओरियंस ग्रीन्स जयपुर द्वारा प्रदेश स्तरीय पंचतत्व उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कार्यक्रम के दूसरे दिन अनोखा पेड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें प्रिय दर्शनी मिश्रा के निर्देशन में बाल कलाकारों ने अभिनय किया। नाटक का मंचन लोक धुनों में प्रयोग गए संगीत की प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसे दर्शकों ने सराहा। पंचतत्व उत्सव के तीसरे दिन के कोहली के निर्देशन में राजस्थानी नाटक हरिया को हरियालों का मंचन किया जा रहा है। स्वर्गीय पद्मश्री विजयदान देथा साहब की लिखी हुई कहानी अनोखा पेड़ की प्रस्तुति थी, जिसे हमने एक अलग रूप में, एक अलग नाट्य प्रयोगात्मक रूप से करने की कोशिश की। कथा वाचन के साथ में उसमें नाट्य के तत्व डालकर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाने की कोशिश की कि कैसे बच्चा जो कलाकार हैं वो कहानी को भी कह रहे हैं और साथ ही साथ उसमें एक्ट भी कर रहे हैं। ये जो कहानी है ये आशावादी रूप में विजयदान देथा साहब ने लिखी थी कि कैसे एक बच्चा है और वो उम्मीद करता है कि एक पेड़ होगा जिसमें गुलगुले लगेंगे, और वाकई में वो बच्चे की जो उम्मीद है, जो आशा है, वो पूरी हो जाती है। बड़ा ही ऑप्टिमिस्ट सा बच्चा है और एक गुलगुलों वाला पेड़ वो रोप देता है जो कि बहुत बड़ा होता है और उसमें घी से तले हुए गुलगुले उगने लग जाते हैं। पंचतत्व एक उत्सव है जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स को पर्यावरण से जोड़ के काम करा जाता है। ये पिछले कई साल से हो रहा है और अभी ये 3 दिवसीय है स्टेट लेवल, और आगे होगा ये नेशनल लेवल की। तो अभी कल हुआ था मरुधरा नाटक, नृत्य नाटिका हुई थी, और आज है अनोखा पेड़, और कल होगा इसका हरिया को हरियालो जो